हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के वाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में, सेटिंग सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक, फिंगर लॉक, फेस अनलॉक, स्मार्ट लॉक। तो आपको अपने फ़ोन में फिंगर लॉक लगाने के लिए आपको फिंगर पैटर्न पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपने जो अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है ओल्ड वाला, वो आपको एंटर कर लेना है। यहाँ से आपको पे होना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने फिंगर काफ़ी अच्छे से एंटर कर लेना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अपने फिंगर लगाना है, यहाँ से आपको फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। तो इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर लगाएंगे और रिमूव करेंगे, जब आपको फिंगर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर लगाएंगे, रिमूव करेंगे और जब तक ये वीडियो टाइम का गोला जो है पूरा नहीं होता, इस प्रकार आपको अपना फिंगर लगाना है। आपका फिंगर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो फिंगर मेरा है वो अच्छे से ऐड हो चुका है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन का, तो आपको डन पर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। ऐड फिंगर से आप फिंगर पैटर्न चेंज कर सकते हैं। और आपको यूज़ नहीं करना चाहते फिंगर पैटर्न तो आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे वन फिंगर से रिमूव भी कर देंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।